ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जहां बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे मुल्क के जो असासे हैं वो बेचे जा रहे हैं, जो हमारा मुल्क बांग्लादेश पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे है इस वक्त गुर्बत में, तो ऐसे में लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनको मुसलमानों के पीछे लगाया जा रहा है। उसमें मुसलमानों की मस्जिदें हैं, उसमें ताजमहल की बात हो रही है, दूसरी तीसरी बातें हो रही हैं। तो ये होना तो ये चाहिए था कि जो लोग इस मुल्क की दौलत लूट के बाहर चले गए, चाहे वो मालिया है, चाहे मोदी है, दूसरे कोई मोदी है, तो बजाय वो दौलत वहाँ से वापस ले आते, ये यहाँ जो हमारे मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं, अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा दे। फिर देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे इस मुल्क को देखने के लिए।